जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। साथियों, बहुजन समाज जो बनाने की प्रक्रिया थी वो एक फार्मूला बेस प्रक्रिया थी, जिसमें इस देश के बहुसंख्यक वर्ग अर्थात एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज़ के लोगों को एक साथ इकट्ठा करके एक पार्टी के नीचे उन्हें एक जगह है अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपनी मनपसंद की सरकार चुनने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। चूंकि भारत के संविधान द्वारा देश में प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली लागू है, जिसमें देश की बहुसंख्यक जनता को बराबर का वोट का अधिकार मिला हुआ है और वोट की कीमत सबकी बराबर है, तो उसे अपने पसंद की सरकार चुनने का अधिकार है। अर्थात सरकार उसी की चुनी जानी है जिसका बहुमत है। तो इस देश में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज़ के 85% लोग हैं जिनकी सरकार होनी चाहिए, जिनके नुमाइंदे होने चाहिए। आज उसके उल्टा 15% के लोग इस देश के राजकाज, शासन व्यवस्था, शासन प्रशासन, प्राकृतिक संसाधनों पर काबिज हैं। वे लोग जो सदियों से इस देश में वंचित रहे हैं, जो समाज की मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाए, जो आज भी भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी का शिकार हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और 15% के लोग लगातार अमीर होते जा रहे हैं। यह डिस्क्रिमिनेशन, यह गैर बराबरी लगातार जारी है। अब इसका कारण ढूंढा जाए कि आखिर ऐसा क्यों है। देश की आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी आज देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन के लिए लाइन लगा के खड़े हैं। ये 80 करोड़ लोग 125 करोड़ लोगों में बहुत बड़ी संख्या है जो गरीबी की रेखा के नीचे जी रही है, और ये 15% के लोग इस देश को विश्व की तीसरी बड़ी शक्ति बनाने के प्रयास में लगे हैं, इस देश को विश्व गुरु बनाने के प्रयास में लगे हैं, इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने के प्रयास में लगे हैं, जहां बड़ी आबादी भूख से तड़प रही हो, खाने को नहीं हो, गरीबी की रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हो, वहां विकसित राष्ट्र की कल्पना या विश्व की तीसरी महाशक्ति बनने की कल्पना, विश्व गुरु बनने की कल्पना मात्र धोखा है। इस देश में धर्म के नाम पर सदियों से लोगों को डराया गया, लोगों में भय पैदा किया गया, धर्म की परिभाषा में लाकर एक हिंदू राष्ट्र की कल्पना अर्थात डिस्क्रिमिनेशन बनाए रखना, गैर बराबरी बनाए रखना, विषमता बनाए रखना, इसके पीछे ये सबसे बड़ा षड्यंत्र है। तो जिम्मेदार इस देश के लोगों ने ही, चाहे वो गांधी रहे हों या कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता अगुआ या भारतीय जनता पार्टी के लोग रहे हों, वे ब्राह्मणवादी मानसिकता से ग्रसित होकर इस देश के लोगों को गुलाम बनाए रखने के लिए, लाचार बनाए रखने के लिए सदैव भय और भ्रम की स्थिति
बनाए रखी, यहां तक कि गांधी ने इस देश के बहुसंख्यक वर्ग को हरिजन नाम देकर उन्हें अपमानित करने का काम किया, उन्हें निम्न श्रेणी का बनाए रखने का काम किया। और वह व्यवस्था, वह ब्राह्मणवादी व्यवस्था आज भी उन लोगों के लिए अभिशाप बनी हुई है जो इस व्यवस्था से अभिशप्त हैं, इस व्यवस्था के शिकार हैं, विक्टिम ऑफ द सिस्टम हैं। इस ऊंच नीच की व्यवस्था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था या हरिजनवादी व्यवस्था, ग्रेडेड डीग्रेडेड की व्यवस्था के बेनिफिशरी लोग केवल 15% हैं जो इस देश में विषमता, ऊंच नीच की वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं, जो विक्टिम ऑफ द सिस्टम है इस व्यवस्था के, इस सामाजिक व्यवस्था के जो शिकार हैं, वे भी इस गुलामी से मुक्त नहीं होना चाह रहे। जो पोषक हैं, जो उसके लाभकारी, जो उसका लाभकारी वर्ग है, वो यथा स्थिति बनाए रखना चाहता है। वे क्यों चाहेंगे, वो क्यों चाहेगा कि ये गैर बराबरी विषमता की व्यवस्था समाप्त हो और समानता की स्थिति आए, जैसा कि संविधान में कोशिश की गई है। वे कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि वे बेनिफिशियरी सिस्टम से उनको लाभ मिलता है। इस 85% को हरिजन बनाए रखने में उन्हें लाभ है, और ये भी उसी व्यवस्था में खोए हुए हैं। यह उस डर से, उस भय से और भ्रम से उभर नहीं पा रहे। ईश्वर का भय और भ्रम बना के भाग्य और भगवान ने इन्हें किसी भी शोषण के खिलाफ आंदोलन के लिए आगे आने के बजाय ये कभी भी विद्रोह नहीं कर सके। इस व्यवस्था से छुटकारा नहीं पाना चाहते। यह वर्ग आज भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था में उलझा हुआ है, भ्रम की स्थिति में है, डरा हुआ है, और ये लोग हरदम डरा के भाग्य और भगवान का डर दिखा के इसे मुक्त नहीं होने देना चाहते। हमारे तमाम महानायकों ने, बहुजन समाज के महानायकों ने, बुद्ध, कबीर, गुरु नानक देव, गुरु घासीदास, संत रविदास, पेरियार रामा स्वामी नायकर, छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, नारायणा गुरु, गाडगे जी बाबा, तमाम महानायकों ने, बाबा साहब अंबेडकर और काशीराम साहब ने इस समाज में व्याप्त भय और भ्रम को दूर करने का प्रयास किया, ताकत पैदा करने की कोशिश की। ये व्यवस्था, ये मनुवादी व्यवस्था इन महानायकों से सदैव डरती रही, किसी न किसी रूप से इन्हें छल से, कपट से इनके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित किया, यही नहीं इनकी विचारधारा को भी समाप्त करने का प्रयास किया। मगर आंदोलन जारी रहे, लोगों को जागृत करने का काम करते रहे। बाबा साहब अकेले दम पे इस सिस्टम से लड़ते रहे। उनको मौका मिला, उन्होंने संविधान लिखकर संविधान में भाग्य और भगवान को पूर्ण रूप से नकार कर आडंबर, पाखंड, भ्रम को समाप्त किया। मान्यवर काशीराम साहब ने
इस बहुजन समाज को एक ताकत दी, भय और भ्रम को समाप्त किया। डरते रहे, जिस तरह से बाबा साहब से ये मनुवादी लोग, ब्राह्मणवादी लोग डरते रहे, काशीराम साहब से डरते रहे। अब वर्तमान में इन बहुजन, इन ब्राह्मणवादी लोगों को, मनुवादी लोगों को बहन कुमारी मायावती का भय सता रहा है, और इसीलिए सब ये एकजुट होकर उनको आगे नहीं आने देना चाहते। और इनका साथ जो विक्टिम ऑफ द सिस्टम है, उनमें से जो पढ़े लिखे, जो सक्षम लोग हो गए हैं खाते पीते, वो लोग भी उस मनुवाद को, शोषक लोगों को उनके साथ मिलकर उनका सहयोग कर रहे हैं, इस व्यवस्था को, विषमतावादी व्यवस्था बनाए रखने के लिए। यही लोग सही अर्थ में गांधी के हरिजन हैं, जिन्हें अपनी गुलामी का एहसास नहीं है, जो गुलामी से मुक्त नहीं होना चाहते, जो चमचे हैं, जो दलाल हैं, उन्हीं के तलवे चाटने में लगे हुए हैं, और समाज के बदौलत आज वो इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि वो इस समाज के भलाई के लिए, मुक्ति के लिए इनका कोई योगदान नहीं है। ऐसे चमचे दलालों से, हरिजन, गांधी के हरिजनों से बहुजन समाज को सावधान रहकर अपनी एक ताकत बनानी है, और अगर इन्हें अपना अस्तित्व बनाए रखना है, गुलामी से मुक्त चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो सही अर्थ में ब्राह्मणवादियों का विनाश, ब्राह्मणवादियों का खात्मा कर सकती हैं बहन कुमारी मायावती जी, इस बहुजन मूवमेंट के द्वारा, इस बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाकर इस विषमतावादी समाज व्यवस्था को खत्म कर समाज में समता मूलक समाज की स्थापना हो सकती है। जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।